हेलो फ्रेंड्स, मैं राहिल शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नया इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर लेकर। और ये क्वेश्चन मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो अपना फील्ड चेंज कर रहे हैं, किसी और फील्ड से सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं। तो वो तो पूछेगा ही, भाई आपने तो मैकेनिकल ज्वाइन करी थी, सॉफ्टवेयर में क्यों आ रहे हैं? अब उससे क्या बोलोगे, क्योंकि सर मैकेनिकल में जॉब नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रही। नहीं, आपको उसे इस तरीके से बताना है कि आप उसे बता पाए कि भाई जो मैकेनिकल की मेरी स्किल्स है वो सॉफ्टवेयर में बहुत काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि नहीं काम आएगी, कैसे काम आएगी? तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकता है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट इन सॉफ्टवेयर फील्ड एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। या वो आपसे पूछ सकता है, Why do you want to change from mechanical to software field? So how will you reply? Let's go for it. और अगर आप हमसे ऑफलाइन सीखना चाहते हैं सारे इंटर क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अमेरिकन ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आइए और साथ ही मौके इंटरव्यू दीजिए। तो आंसर इस तरीके से चलेगा, सर योर कंपनी आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू कोर डोमेन क्लाइंट्स अपार्ट फ्रॉम अदर्स। हर कंपनी केवल एक ही तरह की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, वो मशीनों के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाती है, कंप्यूटर्स के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाती है, बैंक्स के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाती है, टाटा मोटर्स के लिए बनाती है, भील के लिए बनाती है, रेलवे के लिए बनाती है। तो जाहिर सी बात है कोर डोमेन क्लाइंट्स भी उनके होते हैं। तो आप ये बोलेंगे, योर कंपनी आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू कोर डोमेन क्लाइंट्स अपार्ट फ्रॉम अदर्स। उसको समझाओ कैसे, सपोज There is a real-time machine or application for which we need to write a program. Real-time machine or application मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें एक साथ चार से पांच रोबोट लगे होते हैं। एक रोबोट पहिए फिक्स कर रहा होता है, एक रोबोट कुछ और कर रहा होता है, एक रोबोट कुछ और कर रहा होता है। उस टाइम पे हमें देखना पड़ता है कि कितनी देर के बाद दूसरी मशीन काम करना स्टार्ट करे, कहीं ऐसा ना हो पहले मशीन का काम पूरा नहीं हुआ, दूसरी मशीन का काम स्टार्ट हो गया। तो ये सब होता है रियल टाइम मशीन और एप्लीकेशन इनपुट के ठीक टाइम पे दूसरी मशीन स्टार्ट करें। तो आप मशीन को पहले से काम कर चुके हैं तो आपको पता होता है कोई मशीन कितने रोटेशन लेती है, एक मिनट के अंदर क्या एनर्जी देती है, क्या करती है, ऑल द थिंग्स। तो आप इसलिए वही लाइन बोलेंगे, सपोज देयर इज द रियल टाइम मशीन और एप्लीकेशन फॉर विच वी नीड टू राइट द प्रोग्राम। And client wants there must be some real-time input or output based on machine project. क्योंकि क्या होता है, जो मैंने कि एक कंपनी जिस कंपनी में आप सॉफ्टवेयर दे रहे हैं वहां पर जैसे असेंबली लाइन बनी हुई है, जरूरी कि हर कंपनी की असेंबली लाइन वैसी हो सकता है Volkswagen में अलग तरीके की असेंबली लाइन वहां बहुत दूरी दूरी पर रखी हो रोबोट, हो सकता है Jaguar में अलग तरीके की असेंबली लाइन हो, तो हर जगह अलग होती है। तो हर कंपनी के लिहाज से अलग अलग तरीके से आपको इनपुट डेटा करना पड़ेगा, वहां पर जाकर समझना पड़ेगा कि कोई रोबोट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, तो उसके लिहाज से हमें कितना टाइम की आपको कितने टाइम का प्रोग्राम भरना पड़ेगा कि दूसरी मशीन कितने टाइम के बाद ही काम करे। क्योंकि अगर आप एक जैसा प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, कई कंपनी के असेंबली लाइन में फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर हो सकता है 2 फीट की दूरी पर रोबोट हो, कहीं पर 10 फीट की दूरी पर रोबोट हो। तो उस लिहाज से आप रियल टाइम आपको करना पड़ेगा। एक क्लाइंट चाहेगा कि पहले आप आकर देखो मेरी मशीनें कैसे लगी हुई हैं, उस लिहाज से सॉफ्टवेयर बनाओ। तो ये होगा वहां पर, एंड क्लाइंट वांट्स देयर मस्ट बी सम रियल टाइम इनपुट और आउटपुट बेस्ड ऑन मशीन लॉजिक। दैट टाइम आवर नॉलेज विल हैव अ हेल्पिंग टूल फॉर बोथ द क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। उस वक्त आपकी ये मशीन लर्निंग काम आएगी माय डियर फ्रेंड्स, कि कोई मशीन कैसे काम करती है, कितना टाइम लेती है, कितना घूमने में टाइम लगती है, फिर दूसरी मशीन कैसे स्टार्ट होती है, स्टार्ट जब कार स्टार्ट होती है उसके बाद क्या होता है, वो कितनी देर में पहुंचता है पेट्रोल, ये सब आपको पता होगा। तो आप उस लिहाज से प्रोग्राम बनाओगे, बिकॉज द क्लाइंट विल हैव टू स्पेंड लेस टाइम टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट एज आई एम ऑलरेडी फैमिलियर विद दोस प्रोसेस व्हिच क्लाइंट यूजेस। इसका फायदा क्या है कि क्योंकि ऑलरेडी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू पता है मशीनें कैसे काम करती है, इसका फायदा ये होगा क्लाइंट जो समझाना चाह रहा होगा आपको चुटक में समझ आ जाएगा। और एक बंदा जो सॉफ्टवेयर फील्ड का जिसने कभी मशीन पर काम नहीं किया उसे कैसे पता चलेगा, वो तो जानते ही नहीं दूरी हो रही है सब, वो तो सॉफ्टवेयर बिजी बनाने में बस
डेटा दे दो, एंटी कर देता है। और जो मैकेनिक वाला होगा वो बिल्कुल सही तरीके से असेंबलिंग लाइन को समझ के अपना प्रोग्राम बनाएगा, एंड आई कैन डेवलप ए यूजर एक्सेप्टेबल प्रोग्राम। तो दिस इज द आंसर यू विल स्पीक व्हेन ही आस्क्स यू व्हाई डू यू वांट टू चेंज फ्रॉम मैकेनिकल टू सॉफ्टवेयर फील्ड, और हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट एज मैकेनिकल इंजीनियर इन सॉफ्टवेयर फील्ड। मैं फिर से आंसर को रिवाइज करता हूँ, टोन देखिएगा, इस पर काम कीजिएगा, रंगों के लिहाज से टोन को चेंज कीजिएगा, पोजिंग लेनी है, सांस लेनी है, जैसे सर योर कंपनी आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू कोर डोमेन क्लाइंट्स अपार्ट फ्रॉम अदर्स, सपोज देयर इज अ रियल टाइम मशीन और एप्लीकेशन फॉर विच वी नीड टू राइट द प्रोग्राम एंड क्लाइंट वांट्स, देयर मस्ट बी सम रियल टाइम इनपुट और आउटपुट बेस्ड ऑन मशीन लॉजिक, दैट टाइम आवर नॉलेज विल हैव अ हेल्पिंग टूल फॉर बोथ द क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। Because the client will have to spend less time to explain the requirement, as I'm already familiar with those processes which can use it, and I can develop a user acceptable program. So this is the answer that you will speak. Or चाहे तो आप इसे short कर सकते हैं अपनी requirement के अनुसार, और आपको लगता है कि छोटा और बोलूं पहले वाली हटा देना आप, that is the thing that you will be doing. All right, my dear friends, so how do you find the answer? Please tell me. Subscribe to my channel for more into question answers for teachers, for MBA students, for pharmacists, for any field. Please do it and press the bell icon button. Thank you very much, my dear friends.